सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। विश यू ऑल अ ब्यूटिफुल वीक एंड हैव अ ग्रेट इंस्पायर्ड एंड पॉजिटिव डे अहेड। प्रकृति और गोकुल, ये दो चीज का जब कॉम्बिनेशन इस बागवान के जिंदगी में आया तो जिंदगी जैसे बदल गई। जिंदगी खुशियों से सारोबार हो गई, चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे का नूर बन गई, दोस्तों की दोस्ती मिल गई और इंद्रधनुषी रंगों में समावेश हो गया। क्यों हुआ? कारण नहीं जानना चाहेंगे। मेरे ख्याल से आज हम सब शायद ऐसे ही जीवन को जीना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, अपनों संग पल बिताना चाहते हैं। आप लोग, शायद कुछ लोग मेरे से जो मैं कह रहा हूँ स्वीकार शायद करेंगे, और इसके लिए क्या है, क्या बहुत मुश्किल है? ये मेरे ख्याल से नहीं। जिंदगी मेरी बहुत अप्स एंड डाउन्स में चली है। डाउन्स लाइफ में बहुत देखे हैं, बहुत एक्सट्रीम डाउन्स देखे हैं, जब शायद जिंदगी माइनस में चली गई। माइनस से मेरा मतलब है फाइनेंशियली बहुत एक्सट्रीम माइनस में चली गई थी 25-30 साल पहले, और एक बार लगा था कि जिंदगी शायद कितनी दुश्वार है, कितनी मुश्किल है, अब इसमें से शायद कभी निकल नहीं पाऊंगा और बस जैसे अंत दिखने लगा। मगर कहीं से, और कहीं से नहीं कहूंगा, ऊपर से शायद ईश्वर ने एक दिन स्वप्न में कह लें या गोकुल में काम करते कह लें, एक ऐसा आभास दिया कि यह तो परीक्षा है, और परीक्षा में से अगर निकल गए तो फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं। और बिल्कुल आज कुछ ऐसा ही अनुभूति हो रही है, ऐसा ही लग रहा है। परीक्षा के बगैर, डाउन्स के बगैर कभी हम जिंदगी को समझ नहीं पाते, क्योंकि जब अच्छा होता है तो ईश्वर को भूल जाते हैं, जब अच्छा होता है अपनों को भूल जाते हैं, जब अच्छा होता है दोस्तों को भूल जाते हैं, अहम आ जाता है, मैं जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, और जब ये आ जाता है तो स्वतः हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कोशिश कई सालों से प्रयास किया और मुझे लगा बहुत सरल है जिंदगी बदलना, मुश्किल नहीं। सबसे पहले इसके लिए सोच बदलनी है, सबसे पहले हमें एक चीज निश्चित करना है कि जिंदगी में जो ईश्वर ने दिया है, जो ठाकुर जी ने दिया है, वो भी बहुत है। अगर उसको भी हम सहजता से जी लें और मुस्कुरा लें और उसके हिसाब से ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ जाएं, तो ज़िंदगी बहुत मुस्कुराने लगती है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी कुछ पल की है, और ये पल हम खुशी से जीकर मुस्कुराएं या दुख पाकर मुस्कुराएं, या अपेक्षाओं में ज़िंदगी निकालें, आकांक्षाओं में ज़िंदगी निकालें, या जो है उसको हम इंजॉय करें, चॉइस हमारी है, हमारी अपनी है। जो कुछ भी मैं आज बोल पा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा इंसान हूँ, बागवान हूँ, कोई मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी है, लेकिन जीवन को बहुत करीब से देखा है, जीवन को बहुत
करीब से जिंदगी में जिंदगी को बदलते देखा। बस वही सब कुछ है, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया तो मुझे लगता है कि अगर शायद मेरी जिंदगी का जो अनुभव है वो शेयर करूं तो शायद किसी एक की भी जिंदगी में अगर फर्क आ जाए तो मैं समझूंगा जीना मेरा सफल हो गया, आपसे बात करना सफल हो गया। और बस प्रेरणा अगर बन सकूं तो ये मुस्कुराहट मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। और उसके कारण हैं सबसे पहले ठाकुर जी और उसके बाद आप लोग। इतना प्यार सम्मान स्नेह जो आप दे रहे हैं वो बिरलों को मिलता है, जिसका कोई जिसका कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं हो, जिसके पास में कोई औहदा नहीं हो, कोई कुर्सी नहीं हो, जिसके कनेक्शंस बहुत नहीं हो, जो एक मात्र एक छोटे सी बगिया का बागवान हो, गार्डनर हो, उसको इतना प्यार शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद 50,000 से ज़्यादा लोग इस गोकुल बगिया को फॉलो करते हैं। और हज़ारों के संख्या में आप में से कई मित्र गोकुल में आ चुके हैं, अपना आशीर्वाद दे चुके हैं। आप अनुभव कर चुके हैं कि गोकुल में आकर कैसा लगता है, क्या फील होता है, प्रकृति कितना अद्भुत हमें हमारे जीवन को बदल सकती है, वातावरण हमारे जीवन को बदल सकता है। ये आप जब प्रत्यक्ष आते हैं तब अनुभव होता है। जहाँ मन निश्चल हो, जहाँ मन स्वच्छ हो, जहाँ मन साफ हो, जहाँ स्नेह हो, वहाँ ऐसा अब मेरे को अनुभव होता है पिछले कुछ वर्षों से कि ठाकुर जी का स्वतः वास वहाँ किसी न किसी रूप में हो जाता है। ठाकुर जी किसी न किसी रूप में वहाँ शायद विचरण करते हैं, आते हैं, रास करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन अंदर में दिल में एक वो अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं वो हैं। और ऐसे हजारों मेरे जीवन में वाकिया हुए हैं जिससे ये फीलिंग आती है कि वो कहीं यहाँ बस रहे हैं, रम रहे हैं, आशीर्वाद उन्हीं का है। मैं तो निमित्त हूँ, बागवान हूँ, जो मुझे उन्होंने बना दिया, जो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो जैसा मैं कह रहा था कि जीवन को सुख से जीना या दुख से जीना ये हमारे खुद के हाथ में। इसके लिए हम दूसरों को दोष देते हैं, उसने ऐसा कर दिया या उसने ऐसा कर दिया या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। देखिए, क्यों का कारण तो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलतियां रहती हैं, कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से शायद जीवन में एक परिस्थिति ऐसी आती है जब हमें लगता है कि हम तो भगवान की पूजा भी कर रहे थे और उसको याद भी करते थे और कुछ मैंने किया नहीं, लेकिन कुछ करे बगैर ऐसा नहीं होता है। मेरे ज़िंदगी में 4 साल का डिप्रेशन पीरियड आया था, मुझे भी लगने लगा कि क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा कर, मगर उन 4 सालों से कहाँ से हिम्मत मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली, एक ही जगह है जहाँ से प्रेरणा मिली और वो है ईश्वर, वो है ठाकुर। वो 4 साल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो 4 साल, 4 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 4 साल में लोग शायद सुसाइड तक सोच लेते हैं। जब जीवन आपका बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकलता है, आपके बच्चे छोटे हों, आपके पास में अगले दिन आप कैसे क्या करोगे, ज़िंदगी कैसे निकलेगी, आप अपने 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 घर की व्यवस्था कल के लिए क्या करोगे नहीं हो तो बहुत चिंता का विषय है। मगर वो 4 साल में जो जो हुआ, अपना पराया का आभास हुआ, सुख दुख का आभास हुआ, जिंदगी जीने का एक तरीका समझ में आया। जिंदगी अब तक ये सोच के जीते थे कि अगर मैं ये कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते रहे, आप अच्छा करेंगे तो भी कहते रहेंगे, आप नहीं करेंगे तो भी कहते रहेंगे।
लेकिन जिंदगी आपकी अपनी है, समय बदल गया है। आज जिस उम्र में मैं हूँ, बहुत से आप लोग इसी उम्र में होंगे, हमें एकाकीपन लगने लगता है, क्योंकि बच्चे अपनों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास समय नहीं। तो ज़िंदगी हमको बदलनी है, बच्चों को हम अपेक्षा नहीं कर सकते। उनके पास भी बहुत प्रेशर है, काम का प्रेशर है, उनकी अपनी फैमिली हो गई, तो हमको अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा, हमको अपनी ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा, हमको अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के साथ, बच्चों के हिसाब से ढालना पड़ेगा। और जिस दिन हम ये करना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी मुस्कुराने लगेगी। अपेक्षा और आकांक्षा ये दो शब्द, और तीसरा है ईगो। ये तीन चीज जब हम धीरे धीरे, ये समय लगता है, बहुत समय लगता है, ये छोटा सा काम नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन जब इन तीन शब्दों को हम अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि आपको हर पल ज़िंदगी का आनंद आएगा, हर पल ज़िंदगी को जियोगे, ये भूल जाओगे कि लोग क्या कहें, इच्छाएं क्या हैं, वो कभी कम नहीं। ईगो एक पुरानी दोस्ती 25-30-40 साल की वजह से बीच में दरार आ जाती है, तो क्यों हम उसको दरार आने दें? आज दोस्त तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, खुशनसीब हैं जिनके पास में दोस्तों का साथ है, वो खुशनसीब हैं जिनके पास अपनों का साथ है, और उसके लिए वही करना है। ये तीन शब्द, आकांक्षा, आशा, अपेक्षा, ईगो, ये आप इस पे अगर जैसे जैसे आप इससे दूर होते चले जाएंगे, स्वतः ज़िंदगी मुस्कुराने लगेगी, ज़िंदगी खिलखिलाने लगेगी। वैभव, धन दौलत पैसा होने से खुशियाँ आ जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत ऐसे लोग हैं जो हज़ारों करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन अगर आप किसी से दिल से जाके मिलें और दिल से उससे पूछें कि ईमानदारी से बोलो कि आप खुश हो क्या, क्या ज़िंदगी को आप ज़िंदगी की तरह जी रहे हो, वो जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन उनके हाव भाव से आपको समझ में आ जाएगा। चार प्रश्न जब आप उनसे पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं उनकी बातों में परिवार नहीं होगा, उनकी बातों में अपनी धन होगी, अपने आत्मा की दौलत होगी, अपना बिजनेस होगा, अपना एम्पायर होगा, लेकिन जो अपनों की बातें हैं वो जाने न जाने कहाँ चली जाए। और आपके पास कुछ नहीं है, ईश्वर ने अगर दाल रोटी खाने को दे दी है, एक छत दी है और एक सादा जीवन आपको दिया है, तो वो भी बहुत है। इस बागवान के पास यही है जो मैंने आपको बोला, एक सादा जीवन, एक सिंपल ज़िंदगी, धन नहीं है। शायद बहुत लोग गोकुल देख के समझते होंगे कि आई एम फिल्दी रिच, बट ऐसा नहीं है। वेरी वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज आई हैव, वेरी वेरी लिमिटेड रिसोर्स फ्रॉम एज आई सेड फ्रॉम अ नेगेटिव फाइनेंशियल स्टेटस 25 इयर्स अगो व्हेन आई ओड अ लॉट ऑफ मनी टू पीपल, लेकिन ठाकुर जी के आशीर्वाद से आई बी एबल टू पे एवरीवन विथ इंटरेस्ट। टाइम लगा, 5-7 साल लगे, सब हो गया। अब इतना है कि आराम से सुबह और शाम सुकून की जिंदगी है, आराम से 3 रोटी 2 रोटी बहुत आराम से खाते हैं, इंजॉय करके खाते हैं, एक दाल सब्जी हो तो इंजॉय करते हैं, और जो है उसको इंजॉय करते हैं, जैसा है उसको इंजॉय करता हूँ। इसी वजह से इस बागवान के जीवन में मुस्कुरा, इस बागवान के जीवन में आप जैसे लोग, इस बागवान के जीवन में इतना प्यार बरस रहा है, इस बागवान के जीवन में इतना आशीर्वाद बरस रहा है। नतमस्तक हूँ मैं आप सभी के सामने, नतमस्तक हूँ मैं ठाकुर जी के सामने, नतमस्तक हूँ मैं हर इंसान के सामने जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे स्नेह दिया, मुझे गले से लगाया, और जब भी जिसके पास गया उसने
हृदय से मेरा स्वागत किया, दिल से मेरा स्वागत किया। ये मुझे अनुभव लास्ट ईयर मेरे पंजाब ट्रिप में, जब मैं 6-7 सिटीज में 20-25 जनों से जाके मिला, दिल्ली में मैं 20-25 जनों से मिला, सब ने अपने घर पे मुझे बुला के स्वागत किया, प्यार दिया, चाह रहे थे कि हम उनके मैं उन्हीं के पास रुकूं। आप मुझे बताइए, आज के समय में न जान न पहचान, सिर्फ एक फेसबुक की दोस्ती, सिर्फ आपने फोटो देखी, लेकिन फिर भी आपका यह भाव इस बागवान के प्रति क्या दर्शाता है कि सिंप्लिसिटी, स्नेह, प्यार और हर आने वाले का स्वागत जिंदगी बदल सके। जिंदगी इसके लिए पैसा होना या स्टेटस होना जरूरी नहीं। एक शौक जो आपका है उसे एंजॉय करिए, उसमें रम जाइए, चाहे किताब पढ़ने का हो, चाहे बागवानी का हो, चाहे फोटोग्राफी का हो, चाहे लिखने का हो, जो भी हो, लेकिन प्रकृति से बड़ा शौक मैं नहीं मानता हूँ। प्रकृति से जो जुड़ गया वो समझ लीजिए ईश्वर से मिल गया, और फिर जब ईश्वर का आशीर्वाद बरसने लगता है, जब आप मन से, तन से, हर तरीके से एक प्रकृति की सेवा करते हैं, जब प्रकृति का आशीर्वाद बरसता है, और प्रकृति का आशीर्वाद साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद। मुझे बोलना नहीं आता है, बहुत नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, किताबें मैंने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है पिछले 25-30 साल में, डिप्रेशन से लेके आज तक, उसी का अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सोचिए, अनुभव कीजिए और फॉलो कीजिए। सिंपल बातें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, आप अगर अपने जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन ला सकते हैं, तो जो बचा जीवन है हमारा, उसको हम मुस्कुरा कर जी सकते हैं। मुस्कुराहट नित हमारे जीवन में आ सकती है। दोस्तों की एक जैसे आज मेरे को लग रहा है कि दोस्तों की एक फहरिस्त जो अनगिनत हो गई है, शायद गिनना मुश्किल हो गई है, और ये सिर्फ इसीलिए हुई है कि कोशिश करते हैं जो आए उनको प्यार से, आदर से समय देकर उनके साथ कुछ समय बिता सकें। और जो आप लोग आते हैं, ये मैं मानता हूँ कि ईश्वर का सबसे बड़ा, ठाकुर जी का प्रसाद है, नहीं तो आजकल कौन आता है, कौन किससे मिलने जाता है, समय किसी के पास नहीं। लेकिन दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, साउथ से, हैदराबाद से, मुंबई से, मध्य प्रदेश से, कई अमेरिका से लोग आए हैं, और आज उन सभी से बहुत प्यार और स्नेह का रिश्ता बन गया है। रोज़ किसी न किसी रूप में उनका, उनसे साक्षात्कार, उनसे मिलना हो जाता है फेसबुक पे। इसीलिए शायद आज मेरा मन हुआ कि कुछ अपने जीवन के संस्मरण आपके साथ में शेयर करूं। अच्छा लगा तो आगे शेयर करिए, ताकि जो एक्सपीरियंस लाइफ में ठाकुर जी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है वो औरों तक भी पहुंचे, किसी के जीवन में काम आए, कोई अपने जीवन में इससे परिवर्तन ला सके, तो शायद मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू इतनी पेशेंस से सुनने के लिए। अगर कोई शब्द गलती रह गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो, तो क्षमा करिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका मार्गदर्शन मेरे जीवन का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसे बनाए रखें, ऐसे ही प्यार रखें, ऐसा ही स्नेह रखें, और इस बागवान, छोटे से बागवान को, इसको कुछ आता नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर आता है प्यार, स्नेह और प्यार से बोलना, अपने भावों को
किसी छोटे से रूप में व्यक्त करना और एक अच्छे दोस्त की तरह दोस्ती निभाना, एक अच्छे होस्ट की तरह स्वागत करना, मुस्कुराना, और कोशिश है कि किसी की मुस्कुराहट का कारण बनना। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग। मे ठाकुर जी कीप यू ऑल ब्लेस्ड। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही ज़िंदगी को जीते रहें। ज़िंदगी में जो ये तीन चीज़ों का अगर हम चेंज कर सकें तो धीरे धीरे कोशिश करिए। जिनसे दूरियां हो गई है आगे बढ़ के उनसे जाके बात करिए। दूरियां मिटाने में भी समय नहीं लगता, एक मुस्कुराहट बड़ी बड़ी दूरियां मिटा दे। जी मुस्कुराइए। आइए हम दोनों, हम सब संग मिल आज मुस्कुराएं और एक प्रण लें कि हम कोशिश करेंगे कि आशा आकांक्षा ईगो इनसे हम दूरी बनाना आज से ही शुरू करें। आपका अपना बागवान रविंद्र काबरा, हमारे होम गार्डन गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स नाम इसलिए दे दिया कि यहाँ हजारों प्रजाति के फूल खिलते हैं, दुर्लभ फूल खिलते हैं जिनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। जब वो खिल जाएं तो शायद मेरे ख्याल से आप लोग ही बता सकते हैं कि जो नाम दिया है वो सही है या गलत है। और 365 दिन खुलते हैं। अभी हाइड्रेंजिया, लिलियम, क्राइनम लिली, ग्राउंड ऑर्किड सभी खिले हुए हैं, जरबराज। ये है ज़िंदगी का एक जो तजुर्बा मुझे पिछले 25-30 साल में मिला, उसको शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कभी कभी मैं बहुत रेगुलर तो नहीं हूँ, क्योंकि कोई गोल ये नहीं है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स बने या कमेंट बने। गोल ये है कि जो मैसेज है वो पास और किसी के जीवन में परिवर्तन ला सके। तो ये जो संगीत आप यहाँ पक्षियों का सुन रहे हैं, ये संगीत आपके जीवन में भी इसी तरह सुनाई दे। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। और सभी को मेरा नमन, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम।